भारत की प्राचीन परंपरा में रामायण, महाभारत, पंचतंत्र और अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ हुए। वाल्मीकि, व्यास, विष्णु शर्मा और चाणक्य जैसे चिंतक हुए। चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, अकबर जैसे राजा हुए। उस देश की विरासत तीनों लोगों के लिए उस देश की विरासत, बौद्धिकता और शासन व्यवस्था की श्रेष्ठता पर किसी को कोई संदेह हो तो शीघ्र अपनी समझ की पद्धति पर संदेह करना चाहिए। इन मनुष्यों की चिंतन शैली और ये भारतीय धरोहर हमारी भव्य विरासत के उदाहरण भर नहीं, मानव सभ्यता की बीती शताब्दियों में दुनिया के कई राष्ट्रों को ज्ञानकोश और शासन पद्धति को दिशा निर्देश देते आए। इनके अनुदित संस्करणों से कई देशों की बौद्धिकता और राजकाज उपकृत होते आए हैं। हमारा परवर्ती साहित्य और ज्ञानकोश तो इनके पुनर्कथनों और पुनर्प्रस्थितियों से संपन्न हुआ ही है। समस्त आधुनिक भारतीय भाषाओं के साहित्य और ज्ञान पाठ में भी इनके पुनर्कथन की उपादेयता जग जाहिर है। भारत की लगभग भाषाओं में आज रामायण, महाभारत का पुनर्कथन उत्कृष्ट और मौलिक साहित्य के रूप में गिना जाता है। युद्ध और लीला की सूक्ष्मताओं को रेखांकित करते ये दोनों कालजयी ग्रंथ आज भी हमारी भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को कदम कदम पर संबल देते हैं। इनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता की पुष्टि के किए बिना ये हमारे लिए इतने तथ्य संपुष्ट हैं और ऐतिहासिक हैं कि मनुष्यता, नैतिकता, सामाजिकता और राजनीति की परिभाषा तय करते समय ये अनायास हमारे सहयोगी बन जाते हैं। दुनिया भर में आज शांति के गीत गाए जा रहे हैं, युद्ध से विमुख होने का पाठ पढ़ाया जा रहा है, किंतु इन नीतियों के उपदेशक स्वयं कितने पाखंड पर्व में तल्लीन है या गौरतलब है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के सैद्धांतिक पक्षों एवं उसकी संरचित नीतियों में महाभारत से प्राप्त ज्ञान का उल्लेखनीय उपयोग रोचक होगा। राष्ट्रकवि दिनकर को जब द्वितीय विश्व युद्ध की त्रासदी को रेखांकित करना था तो उन्हें महाभारत की शरण में जाना पड़ा। हिंदी के धर्मवीर भारती सहित अनेक कवियों, कथाकारों का नाम गिनाया जा सकता है। यहां उल्लेखनीय है कि अपनी परंपरा की कालजयी कृतियों का आंशिक अथवा पूर्ण पुनर्कथन करते समय कोई रचनाकार केवल पुरानी कथा की पुनरावृत्ति नहीं करता, उस सबल वृक्ष पर वह अपनी धारणाओं के विकासमान बेल को फैलाने का आधार पाता है। बात तो वह अपनी कर रहा होता है, अर्थात हर रचनाकार प्राचीन रूपकों के सहारे समसामयिक संदर्भ को संप्रेषणीय बनाता है, वह पुरानी कथा का पुनर्कथन नहीं करता। महाभारत कथा पर आधारित रूपकों में ढलकर हर प्रसंग आकार में संक्षिप्त किंतु व्यंजना में विराट हो जाते हैं। इसलिए हर समय में हमारे नए रचनाकारों को महाभारत और रामायण पसंद आता है। ये रूपकों के लिए महाभारत कथा पर आधारित विभिन्न भारतीय भाषाओं की बनी फिल्मों अग्निवर्षा, बभ्रुवाहन, भीमसेन, चित्रांगदा, द्रौपदी, कर्ण, कीचक वधम, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्रम, ययाति, विभिन्न भारतीय भाषाओं के रचित उपन्यासों एसएल भैरप्पा के पर्व, विष्णु सखाराम खांडेकर की ययाति, शिवाजी सावंत के मृत्युंजय और युगांधर, श्री गोपालाचारी के महाभारत, प्रतिभा राय के याज्ञसेनी, गिरीश कर्नाड के नाटक ययाति, इन सब के अवगाहन से
ये बातें स्पष्ट है। महाभारत कथा पर आधारित किसी भी रचना के रचनाकार से आज यदि प्रश्न किया जाए तो संभवतः उनका एक ही उत्तर होगा कि पूरी संवेदना के साथ समकालीन ज्वलंत समस्या को उजागर करने, उसकी व्याधियों के रेशे रेशे को रेखांकित करने के लिए इससे बड़ा सहायक उन्हें कुछ भी नहीं मिला। संभवतः वे यह भी कहें कि पर्याप्त चिंतन मंथन के बाद ऐसा विलक्षण अभिव्यक्ति कौशल भी अन्यत्र दुर्लभ है। महाभारत कथा का आश्रय एक ऐसा रचनात्मक अनुसंधान है जो रचनाकार के शिल्प विधान को भी व्यवस्थित कर देता है। विषय वस्तु में जो नए रचनाकार होते हैं उनके विषय वस्तु में इस शिल्प के घुसते ही सारे रचनात्मक उद्देश्य अनायास दिशा पकड़ लेते हैं। रचनाकार की चिंतन दृष्टि का स्पर्श पाते ही अभिव्यक्ति के सारे फाटक खुल जाते हैं, जैसे कृष्ण जन्म के बाद जेल के सारे फाटक खुलने लगे थे। भारत की प्राचीन भाषा मैथिली की साहित्यिक विधाएं भी इसके अपवाद नहीं। राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग का प्रारंभिक प्रवेश तो मैथिली में विद्यापति के यहां ही हो गया था, किंतु कथात्मक सूत्र के साथ महाभारत का प्रथम समावेश यहां संभवतः मनबोध के कृष्ण जन्म में दिखाई देता है। 18वीं शताब्दी की इस उल्लेखनीय घटना के आगे पीछे बहुत सारे घट अघट हैं। असल में 16वीं शताब्दी के अधोकाल में अकबर के संप्रेषण से मिथिला में खंडवाला वंश का शासन शुरू हुआ। महेश ठाकुर को मिथिला जनपद की शासन व्यवस्था सौंपी गई। मैथिल जन के पराभव का समय लगभग कुछ उसी समय से शुरू हो गया था। 17वीं-18वीं शताब्दी का समय आते आते वहां के नागरिक जीवन की दशा वस्तुतः भयावह हो गई थी। सामंती शोषण चरम पर जा चढ़ा था। कृषि कर्म की हताशा, कुटीर उद्योग का विनाश, विजातीय संस्कृति के आक्रमण, लोक हितकारी कार्यों के प्रति शासकीय विमुख